स्त्री की लैंगिक इच्छा कौन सी उम्र में ज्यादा रहती है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे कल्चर में, हमारे देश में इन जनरली स्त्री की इच्छा रही तभी बोले नहीं जाता, बाहर बोलते नहीं है। स्त्री बोलती नहीं कि मेरी इच्छा हो रही है, या स्त्री ने बलात्कार किया पुरुष के ऊपर, ऐसा नहीं सुनाई देता। वैसा होता भी नहीं कि स्त्री ने बलात्कार किया, या स्त्री की बहुत इच्छा थी, मतलब जो एकदम निम्फोमैनिक है, बहुत ज्यादा इच्छा है, ऐसे हमारे इसमें बहुत, मतलब अनलेस वो बीमार है। निम्फोमैनिया मतलब एक तरह की बीमारी की, इसमें ज्यादा सेक्स इच्छा है स्त्री की। अदरवाइज स्त्री अपनी इच्छा बताती नहीं है, होंगी तभी, क्योंकि बताना नहीं चाहिए, ऐसा एक संकेत है। एक लड़की जो है वो स्त्री बनती है उम्र के 10, 11, 12 साल में, मतलब उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उसको मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, मासिक धर्म चालू हो जाता है, उसको सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, उसकी इच्छा, सेक्स इच्छा जागृत होती है, लैंगिक वासना शुरुआत होती है उसकी, वो जागृत हो जाती है, और उस समय उसको एक लैंगिक आकर्षण सामने वाले लड़कों के प्रति लगा रहता है। यही उम्र है कि जिसमें वो फिसल सकती है, क्योंकि एकदम ही अंदर से बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत इच्छा हो रही है, और बाहर जाते हैं बच्चे आजकल, मतलब जब स्कूल में चले गए तो कॉमन ये है, मतलब को एजुकेशन है तो उसमें संपर्क में आते हैं। अभी तो सोशल मीडिया इतना है कि उसमें काफ़ी सारे लोगों से परिचय होते जाता है, और फिर उनका संबंध भी बाहर आ जाता है। बेस्ट ये है कि लड़कियों ने यदि मास्टरबेशन किया, हस्तमैथुन किया, तो उनकी इच्छा रही तो वो शांत हो जाएगी। शादी 18 साल के बाद में हमारे इसमें होती है, मतलब अलाउड है लीगली, और शादी के बाद में यदि वो सेक्स करती है तो उस समय काफ़ी सारी इच्छा रहती है सेक्स करने की। मगर हमारे इसमें ऐसा होता है कि नहीं, मकान छोटा है, घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, प्राइवेसी मिलती नहीं है, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर दोनों मियाँ बीवी ने कमरे में जाना अच्छा नहीं है रात के सिवाय, मतलब ऐसे काफ़ी सारे कंट्रोल्स रहते हैं बाहर से। कभी कभी घर छोटा है तो दिन लगे रहते हैं कि कौन से भाई ने उसके पत्नी के साथ में सोने के लिए जाना है, मतलब टर्न बाय टर्न ऐसा भी होता है। प्राइवेसी नहीं रहती, पर्दा लगा रहता है, एक उधर है, एक कपल इधर है, मतलब ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे इसमें फिर इच्छा होती भी नहीं है, क्योंकि एक संकोच रहता है, प्राइवेसी नहीं है तो अच्छा भी लगता नहीं है। कभी कभी फिर मकान बड़ा नहीं है तो फिर बच्चे बड़े होने के बाद में वो भी साथ में सोते हैं, तो उनको सोने का, मतलब उनकी सोने की राह देखना पड़ता है कि भाई वो कब सोएंगे, बाद में हम सेक्स करेंगे, तो ये सब बातें रहती है। तो स्त्री की इच्छा रहने के बावजूद भी वो बोलती नहीं। यदि 25 साल की उम्र में शादी हो गई तो 25 और 32, ये 7 साल में समझो एक या दो बच्चे हो गए, तो फिर 32 से लेकर 45 तक ये जो उम्र है इसमें स्त्री की इच्छा ज़्यादा रहती है, क्योंकि अभी उस समय डर भी रहता नहीं है कि बच्चा हो जाएगा, दो बच्चे हो गए, ऑपरेशन किया हुआ है ट्यूबेक्टॉमी का, तो फिर अब बच्चे भी नहीं होने वाले, बच्चे होंगे ये भी दिमाग में टेंशन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं सेक्स। और ये जो उम्र है इसमें थोड़ा सा उसको फ्रीडम भी मिलता है कि अभी थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, एकदम ही छोटा बच्चा रहा 1 साल के नीचे वाला, और उसको दूध पिलाना है ना, उसका सब देखना है, तो उसमें भी वो बहुत बिजी रहती है, तो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, एक 2-3 साल का बच्चा हो गया तो थोड़ा उसको भी फ्रीडम मिलता है लेडी को, मतलब उसकी माँ को। और फिर 32 और 45 ये जो उम्र है इसमें काफ़ी इच्छा रहती है। 45 साल के बाद में होता क्या है कि मेनोपॉज आता है, एमसी खत्म हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 45 साल में, कुछ लेडीज़ के 48 50 भी हो जाता है, मगर 45 साल में ख़त्म हो जाती है एमसी। उस समय फिर एक साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है कि नहीं, अभी अपना तो सब हो गया, अभी तो सेक्स खत्म हो गया, अभी तो एमसी भी खत्म हो गई, और वो इतना ज़बरदस्त रहता है पकड़ा कि फिर उस समय उसकी इच्छा भी चली जाती है। तो 32 और 45 साल में सेक्स एन्जॉय करती रहती है महिलाएं, और उस समय ही एन्जॉय करना चाहिए। पुरुष का मगर अलग है, मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है। पुरुष का कैसा रहता है कि 32 और 45 ये करियर बनाने का टाइम रहता है, वो करियर बनाने के चक्कर में उसका ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, बाहर जाना आना, ज़्यादा बिजनेस है तो बढ़ाना, सर्विस है तो उसमें टेंशन, तो उसमें उसकी इच्छा कम हो सकती है उम्र में एक्चुअली। तो दोनों ने आपस में बातचीत किया, मेलजोल किया दोनों ने, बीच में टाइम ऑफ लिया, वीकेंड सेलिब्रेट किया, तो दोनों भी अपना सेक्स लाइफ अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष को भी
ये उम्र में 32 और 45 सेक्स ज़्यादा रहता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।